गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी कुंडली में बनने वाले उन योग और उन योगों से उत्पन्न वाले होने वाले उन ग्रहों के बारे में बताने जा रहा हूं। जी, यह ग्रह एक आधुनिक रोग को उत्पन्न करता है। आज विज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर है और परंतु वह आपको मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहने देता। हम अपने भाग दौड़ की जिंदगी में इतनी तीव्रता से विकास चाहते हैं और उस विकास के दौर में हम भूल जाते हैं कि हम कभी प्रसन्न भी थे। जी हाँ, आप यदि प्रसन्न रहते हैं तो आपके शरीर में एनर्जी बराबर बनी रहती है और वह एनर्जी आपको स्वस्थ रखती है और ग्रह एक एनर्जी का ही देवता है। आज मैं जिस रोग के बारे में बता रहा हूं वह रोग है पक्षघात यानी लकवा। देखिए, जन्म कुंडली में लकवा शनि और बुध के कमजोर होने से होता है क्योंकि इसके कारक ग्रह शनि और बुध हैं। शनि और बुध के साथ साथ चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में कमजोर हो जाए तो पैरालिसिस लकवा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मंगल एवं शनि धनु राशि में हो तो पक्षघात होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन इन राशियों में पापक ग्रह हो तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ मंगल और शुक्र लग्नस्थ बैठा हो और चंद्रमा कमजोर हो जाए तो भी पक्षघात होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसको आप अपनी कुछ दिनचर्या में परिवर्तन लाकर स्वयं भी ठीक कर सकते हैं। प्रातःकालीन उठें, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ लहसुन के तेल से मालिश करें और सेब, अंगूर और नाशपाती बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह नाश्ता में ग्रहण करें। इससे आपके शरीर में मानसिक दबाव कम होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ जब सूर्य कर्क राशि से गमन करता हो उस समय आप स्वर्ण, तांबे, चांदी इत्यादि धातु का दान कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों के पास यदि यह धातु दान करने की अवस्था ना हो वह गाय को चारा खिलाए, उनसे भी इस रोग से निवृत्ति का उन्हें रास्ता मिल जाएगा। साथ ही साथ आसपास शिवालय हो या घर का जो पूजन स्थल है वहां बैठकर ओम
बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का यदि आप 108 बार जाप करते हैं तो इस रोग से मुक्ति पाइएगा और आप स्वस्थ रहिएगा। आपको साधुवाद। नमस्कार। नमः पार्वती।